हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग पहला कल्पबिल होमिसाइड तो ये जो है ये आर्टिकल ये सेक्शन 299 में आती है इट इज़ इट मींस पनिशमेंट फॉर एन एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ इट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी 1860 मतलब कि जो डेथ कॉज करता है कोई भी एक्ट करके इंटेंशन हो या ना हो या नॉलेज हो कि हां इससे उसका नुकसान या उसका डेथ हो सकता है उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इंटेंशन होनी चाहिए मारने की इंटेंशन होनी चाहिए कि इंजरी पहुंचाने की ताकि उसकी डेथ हो सके नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ उस चीज से या उस सब्सटेंस उसकी डेथ हो सकती है तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के तहत समझते हैं ए देखी कि सी हाइड कर रहा है बुश में बी जो कि ए का हस्बैंड है उसको ए बोलती है कि यहाँ कोई है मार दो वो गन लाता है वो शूट कर देता है सी को यहाँ पे बी जो है वो काफ़ी गिल्टी फील करता है कि वो क्यों मार दिया ठीक है तो यहाँ पर बी को कुछ नहीं होगा वो सेफ है यहाँ पे ए होगा क्योंकि तो इसने इशारा किया था ठीक है कि यहाँ पे कोई है मारो तो यहाँ पे ए कमिटेड ऑफेंस कब कल्पेबल होमिसाइड इज लॉफुल कब लॉफुल होता है ये सेक्शन सेवेंटी सिक्स है वन हंड्रेड एंड सिक्स तक और कब ये अनलॉफुल होता है तो सेक्शन तीन सौ दो थ्री हंड्रेड एंड फोर थ्री जीरो फोर एट थ्री जीरो फाइव एंड थ्री जीरो सिक्स इतने में ये अनलॉफुल होता है गलत होता है ठीक है एग्जाम्पल के तहत समझते हैं केस लॉ है गणेश डोले वर्सेस इम्पेर इसमें कि एक, एक स्नेक चामर रहता है वो यू you नो know, स्नेक दिखाता है और उसको यू नो लाइक नचाता है गलती से वो स्नेक जाता है एक बच्चे को काट देता है और वो बच्चा मर जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो स्नेक चार मर है ही हेल्ड कल्पेबल होमेसाइड उसकी वजह से बच्चा मरा है ठीक है दूसरा टॉपिक है हमारा केस है नागा पोता वर्सेज इम्पेरियर यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ एक जो है वो बिलीव कर लिया सोचा कि एक लड़की में जिन का साया है भूत का साया है जिसकी वजह से वो लड़की को यू नो स्पिरिट भूत भगाने के लिए मारना शुरू करते हैं उसकी जिसकी वजह से उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे ये कल्पेबल होमिसाइड है उसने कत्ल कर दिया अगर देखा जाए तो मारा सो हियर ही वॉज गिल्टी ऑफ के कल्पेबल होमिसाइड उसको पछतावा हो कि वो क्यों किया नज़ीर वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक एक्यूज हैड अ फाइट अक्यूज ने किक कर दिया प्राइवेट पार्ट में डिसीज बंदे के जो बंदा है वो मर गया क्योंकि ये जाहिर सी बात है प्राइवेट पार्ट में मारा तो जेनिटल पार्ट्स में नुकसान पहुंचेगा तो तुरंत मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे एक्यूज वॉज गिल्टी अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड फोर ही एक्यूज न्यू दैट इट वॉज लाइकली टू तो कॉस्ड क्योंकि यहाँ पे इसको पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे वो मर जाएगा तो थ्री जीरो फोर में कल्पेबल होमेसाइड का पनिशमेंट दिया रहता है कि या तो दस साल की सज़ा होगी या उससे कम दोस्तों तो कुछ सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिसमें कल पीपल इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जैसे प्रोवोकेशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी पावर एक्सीड कर देते हैं तो जो कोई सडन फाइट हो जाती है या कोई कॉन्सेंट रहता है कि हाँ तो वैसे करना वैसे करना जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है आप समझ रहे हैं दोस्तों तो तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग